ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर से लगाए कौमी इंसाफ मोर्चे नूं लैके जिथे कोर्ट ने पंजाब दे डीजीपी नूं तलब किया सी ते कहा गया सी कि हुण तक जिहड़ा मोर्चा क्यों नहीं चक्या गया, तो दूजे पासे डीजीपी वल्लों कहा गया सी कि जल्द तो जल्द खाली करवा दिता जाएगा, पर जिहड़ा इह संघर्ष है इस नूं मजबूत करन दे लई गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब दे दीवान टोडर मल हाल विखे होए पंथ इकट्ठ दे दौरान वड्डे फैसले लिते गए ने। मोर्चा है ना पंथी सिंघां दा, ये पग दा मोर्चा, ते ओ मोर्चा चुन्नी दा मोर्चा, ओ चुन्नी नूं हत्थ पाया है, देश दीआं औरतां नूं हत्थ पाया है, उहदा असीं जबरदस्त विरोध करदे हां और मोदी नूं खबरदार करदे हां कि तुसीं समाजिक जिहड़ा सिस्टम तोड़न जा रहे हो, पहले न्यायपालिका नूं हत्थ च लैके और हुण औरतां नूं चुन्नियां ला के उहनां दीआं बेइज्जतियां करके उहनां दे ब्लाक कातियां नूं ना फड़ के ये देश नूं वड्डी अग लगेगी और वो जिहड़ियां बीबियां दी इज्जत लुट्टी है, जिहड़े उन्होंने मुकदमे दर्ज हुए दोषियों के खिलाफ उन्होंने तुरंत गिरफ़्तार करो। तो ये चुन्नी का जो मोर्चा पग का मोर्चा एक कट्ठा एक एडा वड्डा संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली बरुआ से मोर्चा लग के आया जित के आया उदो भी वड्डा मोर्चा लगन वाला। मीटिंग वक्त वक्त जथेबंदियां आई सी, तय होया कि कोई एक डेट अनाउंस कर लेंगे जिस दिन टोल प्लाजे खोले जाएंगे पंजाब के, एक तो यह है। दूसरा है कि टोल प्लाजे जी खोल दिते जाएंगे, दूसरा है कि 20 जून 15 जुलाई तो 15 अगस्त ये तीन डेटा फिक्स हुई ने। सब तो पहली डेट है जी 20 जून की, उदन केजरीवाल साहब ने उत्थे जाना अपने प्रोग्राम कर लिए उन्होंने कोठी के अगे। सुझाव यह भी है भी केंद्र सरकार के जो वक्त वक्त अदारे ने खास करके राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री उन्होंने भी टारगेट किया जाए क्योंकि वह भी जिम्मेवार ने ना मसले के। उस तो बाद 15 जुलाई में एक वड्डे इकट्ठ करके तहसीलों पद्धर से जिला पद्धर से केंद्र सरकार से पंजाब सरकार की अर्थियां साड़िया जाएगियाँ। तो सुझाव यह भी है भी जो डिमांड चार्टर ने वह भी केंद्र सरकार से राज्य सरकार गवर्नर भेजे। इस तरह तीसरे 15 अगस्त में फैसला जो आया उन्होंने वालों सुझाव भी है जड़ के चंडीगढ़ एक वड्डा गवर्नर के वन मार्च से चीफ मिनिस्टर अपने मुख्यमंत्री दे वन मार्च किया जाऊगा, एक तरह चंडीगढ़ के घराओ करने की कॉल दी जाएगी। लेकिन ये बहुत सारे लोगों ने सुझाव भी दिते हैं कि मेन निशाना जिहड़ा पंजाब सरकार के नाल केंद्र सरकार ने भी रखना चाहिए, कानून बनाने वाले भी वो जिम्मेवारी है, बहुत पंजाब सरकार के नाल जो साढ़े सजा कट चुके सिंह ने उन्होंने रिहा करने की भी, तो नाल दी नाल जो बेअदबियां हुई ने उन्हां दी जिहड़ी सज़ा देनी है वो सज़ा देने वास्ते पंजाब सरकार के उत्ते प्रेशर पाया जाए। सो ये जिहड़े साढ़े मतलब कि अज्ज दी जिहड़ी सी किसान जथेबंदियां धार्मिक संस्थावां दे संत समाज के लोग अड अड होर समाजिक जथेबंदियां बहुत सारे व्यक्तिगत तौर पर लोग आए हैं ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪਛਾਣੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਬਣੀ, ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। मजबूर कर दी है सरकार नूं बंदी सिंघां नूं छड्डण दे लई या फिर डीजीपी चकवा दिंदे ने इह मोर्चा। फतेहगढ़ साहिब तों जगदेव सिंह दे नाल चढ़दी कला टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।